Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my... Hello friends, welcome to my channel Foods Fun. तो आज मैं लेकर आई हूँ मेरी स्ट्रीट टू फाइन डाइनिंग सीरीज़ का पहला वीडियो, जिसमें मैं स्ट्रीट फूड को एक नए ट्विस्ट के साथ आपके सामने लाऊंगी। तो आज का स्ट्रीट फूड है हमारा पोटैटो चीज़ सैंडविच। तो चलिए देखते हैं इसमें मैंने कैसे ट्विस्ट करके इतनी प्यारी डिश बनाई है। लेट्स स्टार्ट। इसमें एक सैंडविच बनाने के लिए हमें जितनी भी सामग्री लगती है वो सारी सामग्री मैंने ली हुई है। तो इसमें मैंने दो ब्रेड ली है, दोनों ब्रेड के कॉर्नर्स मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब ये जो बचे हुए कॉर्नर्स थे हम उसको चूरा बना लेते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने हाथों से ही इसका चूरा बना लिया है। अब इसमें दो बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं मैश्ड करके, उसे आप ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी डाल दीजिए और अभी इन्हें सबको मिक्स कर लीजिए। ओके, इसे मिक्स करने के बाद ऐसा बैटर को आप थोड़ा सा सिलेंड्रिकल बना दीजिए। इसके हमें 8 पीसेस कट करने हैं, तो जल्दी से आप इसके 8 पीसेस कट कर लीजिए। नाउ अब इसके हमें छोटी छोटी टिक्की बनानी है। तो ये ऐसी पूरी मैंने 8 टिक्कियाँ बना ली हैं। अब चलिए एक पैन में हम थोड़ा सा मेल्टेड बटर या घी लेते हैं, उसमें हम हमारी ब्रेड को टोस्ट करेंगे। इसमें ब्रेड को आपको एक ही तरफ टोस्ट करना है, दोनों तरफ से टोस्ट नहीं करना है। एक तरफ टोस्ट करने से ये क्रिस्पी रहेगी और जो हमारी ब्रेड है ये जब हम पीस को पिक करेंगे तो ये बहुत सॉगी नहीं होगी, गीली नहीं होगी, हार्ड रहेगी। तो आपका ये अच्छे से बाइट जो है होल्ड में आएगा। देन इसके बाद हमने इसमें सारी टिक्की को फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई किया है मैंने। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमारी टिक्की तैयार हो गई है। अब हम इसमें चीज़ सॉस बनाते हैं। तो एक चम्मच मैंने मैदा लिया है और उसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है। देन इसमें मैंने एक कप मिल्क डाला है और इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। देन मैंने ग्रेटेड चीज़ डाला है। इसमें एक जो नॉर्मल क्यूब आता है उसका हाफ क्यूब को मैंने ग्रेट किया है और इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी मिल जानी चाहिए और चीज़ भी जो है मेल्ट हो जाना चाहिए। ये अभी थोड़ा थिक है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। आप इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए अपने उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए अब हमारा ये रेडी हो गया स्प्रेडर। ओके, अब चलिए हम असेंबल करते हैं हमारी डिश को। तो सबसे पहले ब्रेड को हमने चारों कॉर्नर से कट कर लिया है ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में। ये देखिए मेरे 8 पीसेस बनके तैयार हो गए हैं ब्रेड के। अब मैंने 2 स्पून मेयोनीज लिया है और इसके ऊपर मैं सारी अपनी फाइन चॉप्ड वेजीज डालूंगी। आपके पास जो भी अवेलेबल वेजीज है वो आप इसमें डाल दीजिए, जो भी सैंडविच में जाती है, एंड इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए अब असेंबल करते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर फिर हम डालेंगे अपनी टिक्की, देन इसके ऊपर हमने डालेंगे अपने वेजीज और मेयोनी का पेस्ट। इसमें हम स्प्रेड करेंगे हमारा चीज सॉस। आप इसके एक साइड में अपना चीज सॉस डाल दीजिए।
और अदर साइड में हम डालेंगे थोड़ा सा हमारा टोमेटो केचप। इसके बाद हम इसे सैलेड से गार्निश करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स को आप स्प्रेड कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा एक सैंडविच के सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर के हमने इतनी प्यारी सी एक डिश बना ली है। तो आप भी इसे अपने घर पे ट्राई करिए, आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये थोड़ी सी डिफरेंट भी लगेगी लोगों को, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।